हेलो दोस्तों, अब आज जम्मू चैनल से मैं राजीव कुमार सिंह। आज मैं जमुई में हूँ और जमुई में हूँ तो सभी लोग गिटार सीखना चाहते हैं, क्या बोलते हैं सर इसको, गिटार। लेकिन जो एक बार पिक्चर में देखे थे, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, उसके बाद गिटार जैसे कि विलुप्त ही हो गया था। लेकिन जमुई में अच्छे टीचर लोग हैं और सिखाते हैं। और देखिए, क्या कौन सा एड्रेस है सर? ये जाजा बस स्टैंड जमुई, DDC ऑफिस के मतलब आवास के पीछे, ठीक है ना? तो यहाँ जो आप लोग सिखाते हैं तो क्या कॉस्ट लगता है सर? कॉस्ट यहाँ पे हम लोग का लगता है 700, 700 रुपये मात्र। 700-800 हज़ार क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जो शौक़ के लिए तो आदमी रुपया नहीं देखता है। तो बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट हैं, थोड़ा बजा के दिखाइए सर। ये अलग अलग धुन पे, एक एक धुन हुआ, अब दूसरा धुन पे बजा के दिखाइए। कीजिएगा, जैसे कि मैं न्यू हूँ तो मैंने सर को बोला कि सर मुझे कुछ जल्दी सीखना है सर, तो सर मुझे डायरेक्ट कॉर्ड पकड़ने के लिए बोले। और जैसे नोट्स आता है, जो भी न्यू स्टूडेंट रहता है ना, तो उसके लिए नोट्स रहता है, तो मैंने नोट्स पकड़ा ही नहीं, मैंने डायरेक्ट कॉर्ड पकड़ लिया। तो और मेरा ज़्यादा टाइम अभी हुआ भी नहीं, तो इसलिए मुझे उतना नहीं पता है। तो जो सर कॉर्ड बताए उसी के बारे में पता है मुझे। तो फिर कुछ और धुन आप सुनाइएगा। यही कॉर्ड है तो अब क्या इसमें बजा सकते हैं। और बारी बारी से जो है स्टूडेंट, आप थोड़ा कुछ बजा के दिखाइए। जो आपको याद है वही। आपका कितना दिन हुआ यहाँ सीखते हुए? 3-4 महीना। मेरे दोस्तों, ये ज्ञान है सरस्वती का कृपा, जब होगा तो ये सीख जाएंगे। फिर भी बहुत अच्छा बजाए, और भी ये प्रैक्टिस में है, और हमारी छोटी बहन इधर है, आप बजा के दिखाइए। और कोई धुन आता है आपको? चलिए बजा के दिखाइए, हैप्पी बर्थडे दिखाइए। हैप्पी बर्थडे टू यू, बहुत अच्छा समझ में भी आया। क्या नाम है आपका? परी। कितने दिनों से सीख रही हैं आप? 3 महीने। 3 महीने से। देखिए, ये लोग तो स्टूडेंट थे, अब टीचर का हम आप लोगों को दिखाएंगे। मेरे दोस्तों, अभी तक जो भी जिनको आप देख रहे थे वो स्टूडेंट थे, अब ये टीचर हैं। और टीचर हैं तो जम्मू जिला जिनका भी घर है, जो गिटार से इंटरेस्ट रखते हैं, इनको ज़रूर जानते हैं, जमुई झाझा ऑल ओवर जमुई, ठीक है ना? तो अपना नाम और परिचय दीजिए। मेरा नाम सत्यम सौरभ हुआ, मेरा घर शास्त्री कॉलोनी है जमुई में, और गिटार सिखाते हैं। मेरा झाझा में क्लास चलता है, लखीसराय में भी क्लास चलता है। सर, बीच बीच में आप नेपाल भी जाते हैं क्या? हाँ, नेपाल तो जाते रहते हैं, क्योंकि आपका जो इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल होता है, लोग देखते हैं। हाँ, जाते हैं नेपाल, दार्जिलिंग, हिमाचल वगैरह घूमते हैं, मतलब ट्रैवलिंग टाइप का, मेरा थोड़ा सा ट्रैवल करने का इच्छा करता है।
तो अभी जिस एज में है तो ट्रैवलिंग करना ज़रूरी होता है ना, ट्रैवलिंग करने से सीख मिलता है, तो इस कारण से। और हम लोग कलाकार है, कलाकार को घूमना बहुत ज़रूरी है। तो आप कोई मतलब कि धुन मतलब आप दर्शकों को दिखाइए सर। धुन में जैसे कि धुन तो कई प्रकार के होते हैं, एक धुन हम सुना देते हैं, एक दर्द भरा और एक खुशी का। दर्द भरा ठीक है, दर्द भरा भी सुनाते हैं। ये एक आस्की टू मूवी आई थी, उसकी फिंगर स्टाइल में सुनाने जा रहा हूँ आस्की टू का, ठीक है। यहाँ पे माइक को एक अच्छा सॉन्ग, खुशी वाला सॉन्ग सुनाता हूँ। और मेरे दोस्तों इसके लिए स्पेशल साउंड होता है, माइक होता है, लेकिन सिंपल में सर कितना अच्छा सुना रहे हैं सोच लीजिए। दोस्तों सर का कहना है कि आपको जीवन में जिसमें मन लगता है, अगर गिटार बजाने में ही मन लगता है, क्रिकेट खेलने में मन लगता है, तो उसमें आप रम जाओ। क्योंकि पापा क्या कहते हैं, पापा, लेकिन बेटा को जो करना है वो कीजिए, ठीक है ना। हाँ सर, अंत में पूरे देशवासी को, पूरे जम्मू वासी को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आपका जो इच्छा करता है वो कीजिए, आप अपना मतलब मन को नहीं मारिए। अगर आपको मन करता है क्रिकेट में जाने का, म्यूज़िक में जाने का, पढ़ने का मन करता है, आप जिस फील्ड में जाने के लायक आपको लगता है कि हम इस फील्ड में जा सकते हैं, आखिर जो भी बड़े पोस्ट पे रहते हैं बने हुए आदमी, जो भी बड़े बड़े कलाकार बने, क्यों बने, कैसे बने, वो लोग भी हम ही लोग के जैसा आदमी है, वो लोग मेहनत किए तभी उतना ऊपर पहुँचे। हम लोग भी मेहनत करेंगे तो ज़रूर पहुँचेंगे उतना ऊपर, अब नहीं मेहनत करेंगे तो फिर घास काटेंगे बैठ के। सर का कहना है कि आप लोग मेहनत कीजिए, और जिस क्षेत्र में मेहनत करना है आप जरूर हम होंगे कामयाब एक दिन। और इसी के साथ अपना रिपोर्ट समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।